मेरा नाम हातिम बलोच है। मैंने एक ने दादा से सीखा था, दादा ने फिर दादा से सीखा था। दादों के साथ काम करते थे तो इसी वजह से मुआशी रोजगार है, खाना पीना सब इसी से निकलता है। यहाँ का मौसम मैंने तब्दील होते हुए देखा है। बारिशें भी वक्त पे हो जाते थे, सर्दियों का भी अपने वक्त में होते थे, गर्मियों के अपने वक्त में होते थे, लेकिन अब मौसम के हिसाब से नहीं हो रहे। यहाँ पे जो जरिया माश है यहाँ का खजूर है। जनवरी पे ये लाना शुरू करते हैं, ये पकते हैं, जब जून जुलाई से ये तैयार हो जाते हैं। फिर खजूर 2013 से कर रहा हूँ ये ज़मींदारी, तो ट्यूबवेल पे शुरू मैंने किया। ट्यूबवेल के ये नुकसान आते हैं, उनका पानी वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, दूसरा बिजली का नुकसान आता है। अगर चीप वगैरह लिस्टर हो जाए उन पे तो डीजल का खर्चा आए, माहौल था वो भी ख़राब हो रहा था धुआं के वजह से, इसीलिए कारस का फ़ायदा ज़्यादा है। इस पे तो डीजल वगैरह कुछ भी नहीं है बिजली का। कारेज में मल्टीपल वेल्स होते हैं, एक मदर वेल होता है। मदर वेल वो होता है जिसमें जो मेन स्प्रिंग या मेन चश्मा जो जिससे पानी स्प्राउट कर रहा होता है, और फिर जिस जगह तक जाना होता है उसमें मुख्तलिफ कुएं हैं, उनको खुदवाते हैं। हर चश्मा अगर आपने देखा हो या ऑब्जर्व किया होता है, मोस्टली वो पहाड़ से निकल रहा होता है। पहाड़ की ग्रेविटी यूज़ करते हैं, फिर उसको हम लोग गाइड करके इधर ले आते हैं। मेरा नाम शाहबुद्दीन बलोच है। क्वालिफिकेशंस के लिहाज से आई एम एन एमफिल स्कॉलर, प्रोफेशनली आई एम ए हॉर्टिकल्चरिस्ट एंड एग्रीकल्चरिस्ट। बलूचिस्तान इज़ अ माउंटेन टेरेन, पहाड़ यहाँ पे बहुत हैं और वेदर के लिहाज से एक टेम्परेट एरिया है। हमारा पानी बहुत ज़्यादा धूप लगने की वजह से ज़ाया हो जाता है। कारेज में पानी अंडरग्राउंड फ्लो कर रहा होता है, उसको धूप नहीं लगती और वो ज़ाया होने से 80-90% बच जाता है। कारेज एक बना हुआ सिस्टम है, आप उस पर थोड़ा मैनेजमेंट सिस्टम संभालें, उसका थोड़ा आप उसका टेक केयर करें, वो आपको सालों साल फ़ायदा देगी विदाउट एनी हार्म। यहाँ पे 10 कारेज हैं। एक तो मेरा अपना कारेज है दादा का, मैंने वो उस पर काम किया, उनको अभी मैं खजूरों के अंदर पानी दे रहा हूँ, और दूसरा भी जो कारेज है वो अभी काम शुरू हुआ है इसका। ये कुआ है, इसका मुंह बाहर से बंद किया हुआ है। बीच में यहाँ पे कत्साली आ गया था, बारिश नहीं हुआ तो ये पानी सूख गए थे, तो फिर सब ने ये काम छोड़ दिया था। अभी बारिश हुआ था, सैलाब आया थोड़ा सा, तो उसके बाद ये कारेज फिर से बहाल हुए, तो फिर बहाल होने के बाद हम लोगों ने जाकर सफाइयाँ किया। 4-5 मजदूर मैंने उठाए अपने साथ, 1.5-2 महीना मैंने काम किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पानी ठीक ठाक आ रहा है। ये आखिरी सही है, चले फिर आगे ठीक है। टॉर्च भी साथ लेकर आना, ये बारिश की वजह से गिर गया, ऊपर पानी जमा हुआ था यहाँ पे, फिर गीला होकर गिर गया ये जगह। ये लिंटर भी टूटे हुए हैं, ये पानी का रास्ता इसने बंद किया हुआ। अरे भैया अभी बारिश आ जाए ये तो गिरेगा, बारिश से पहले इसको निकालना पड़ेगा, अगर ये गिर गया फिर पानी बंद होएगा। हाँ बिल्कुल बंद होगा, फिर नहीं आएगा। ये हमारे कारेज पे उन लोगों का पानी भी है ना, अच्छा तो वो ट्यूबवेल इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी उन्हीं के पास जाकर उन्हीं को बोल देते हैं।
ये लोगों ने ट्यूबवेल भी चलाया हुआ है मेरे ख्याल से, बिजली वाला ट्यूबवेल है। जी हाँ। सलाम अलैकुम। मैंने देखा आप ये यूज कर रहे हैं, ये आपका जो ट्यूबवेल है किस चीज पे चलता है, सोलर है बिजली है? बिजली है। ट्यूबवेल हम लोग मुसलसल चलाते हैं, अगर बिजली है या सोलर है तो एक ऐसा टाइम आएगा हमारे जमीन के नीचे वाला पानी खुश्क हो जाएगा। जैसे आप लोग देख चुके हैं पंजगुर में जो हमारे खजूर के दरख्त वगैरह मर चुके थे, तो इनकी सबसे बड़ी वजह यही है, तो पानी खुश्क हो गया था। कारेज एक अवामी काम है, मतलब इसमें पूरे अवाम एक साथ है ना, जिस तरह हातिम कर रहे हैं वो तरतीब बनाया हुआ है, आज आपकी बारी है, आज आपकी बारी है, इस तरह सफाई कब करना है, इस तरह मतलब अगर हम लोग इस तरह ट्यूबवेल पर डिपेंड करते रहे एक टाइम आएगा कि हमें नुकसान होगा और इसकी वजह से हमारा वाटर टेबल अफेक्ट हो जाता है। मतलब हर ईयर कुछ ना कुछ सेंटीमीटर या इंच में बताऊं हमारा वाटर टेबल लो होता जा रहा है। कारेज में ये सिस्टम अफेक्ट नहीं होता, वो एक नेचुरल सिस्टम है, उसमें जितना वाटर ग्राउंड में है वो इतना ही निकल रहा होता है। हम लोगों ने अभी काम किया था कारेज का, तकरीबन 2-3 हफ्ते काम किए, इनके पैसे मजदूरी ये देने। यहाँ पीछे वो मदरसे के साथ जो कारेज है वहाँ पे गिर गया हुआ है, उसका बाकी काम करना है अभी। वो काम बचा है अभी? जी हाँ, वो अभी करना है। जी हाँ, आप सबसे दरख्वास्त है, माजरत करता हूँ, आप लोग आ जाना। अगर इनको नहीं खोलेंगे तो पीछे ज़्यादा नुकसान देगा ये। पानी तो अभी तो आप लोग देख रहे हैं कितना कम पानी आ रहा है, पहले से नस्बत थोड़ा सा कम हुआ है ना। ये करना है, हमें करना पड़ेगा क्योंकि सीजन है ना। ये जितने अभी कारेजों का सिस्टम है, हम लोग अभी अपने मदद आप खुद कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे हैं जो ये इसी के ऊपर ये काम कर लें और आने वाले जितने नस्ल लें उनको भी इंशाल्लाह फायदा होगा। से जो बड़े पत्थर गिरे थे वो निकाल दिए, अभी पानी को माशाल्लाह देख सकते हो इस तरफ साफ है। हम लोगों को खुद आपस में ही तैयार रहना चाहिए, हमें पता हो रहा है कि मौसम किस तरह चेंज हो रहा है, तो हम लोग आस्ते आस्ते अपने स्टेप्स लेते जाएंगे और कम्युनिटी एक साथ मिलके सब इन्वॉल्व हो के, जिसमें बेनिफिशरी भी आते हैं, लाइफ स्टॉक वाले भी आते हैं और हर कोई जो इस कारेज के पानी से फ़ायदा उठा सकते हैं, उन सबको एक साथ इन्वॉल्व होना होगा, उन सबको एक साथ होना पड़ेगा, फिर हम लोग जाके एक स्टेज पर पहुँचेंगे, हमारी चीज़ें फ्लो में चलना शुरू हो जाएंगी। कोशिश यही है कि मैं जितने कार्यज हैं पंजगुर के अंदर इनको सारों को बहाल किया जाए, ये बड़ी सतह पे हो जावे और एक तो हम लोगों का मुल्क को फ़ायदा होगा, दूसरा हम लोगों के इलाके में फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम नस्ल दर नस्ल चलता रहे।